नमस्कार, संध्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिक्स वेजिटेबल पिकल्स बनाएंगे। इसके लिए हमने गाजर, गोभी, शलगम, मटर, इन सबको हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लिया है। हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है और इसको अब हमने गर्म पानी करने को रख दिया है। गर्म पानी में हम इन सभी को डाल देंगे। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब ये हमारा 2-3 मिनट हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको एक टावेल पर रख करके हम इसको थोड़ा सा सुखा देंगे। इसको हम इस तरीके से फैला देंगे और या तो हम इसको पंखे की हवा में 10 मिनट के लिए सूखने देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच काली सरसों और 1/2 चम्मच मंगरेला काला जीरा। हम इन सभी को रोस्ट करेंगे और हम 1 चम्मच सूखा धनिया, साबुत धनिया, इसको भी डाल करके हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। बस इसकी हम नमी हटाना चाहते हैं। हल्का सा रोस्ट करके हम इसको दरदरा पीसेंगे। हमने इसके लिए थोड़ा सा इमली के पल्प और थोड़ी सी गुड़ लिए। हम गुड़ में 1 ढक्कन के करीब, 1 चम्मच के करीब हम वाइट विनेगर डालेंगे ताकि ये अचार खट्टा मीठा लगे। और इसके लिए हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग और हमने इसको तड़का लगाने के लिए 1 बड़ा प्याज को बारीक काट लिया है और इसको तड़के के लिए हमने सरसों का तेल लिया है और इसमें हमने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन भी हम डालेंगे। ये हमारा बिल्कुल रोस्ट हो गया है। अब हम इसको डाल करके 1 राउंड बस मोटा दरदरा पीसेंगे मिक्सी में। हमने मिक्सी में ये दरदरा पीस लिया है। अब हम एक बड़ा फ्राई पैन रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे। अब हम इसमें 2-3 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को बिल्कुल हम लाल करेंगे। ये हमारा प्याज बिल्कुल लाल हो रहा है। अब हम इसमें अदरक भी डाल देंगे और लहसुन। हमने 10-12 लहसुन की कलियां ली है।
लहसुन और अदरक को भी हम डाल करके अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमारा ये प्याज और लहसुन और अदरक ये बिल्कुल लाल भून गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसमें इमली का हमने थोड़ा सा पल्प निकाला था और इसको भी हम डाल देंगे। ये हमने गुड़ और वाइट विनेगर इसको डाल करके हमने भिगोया था, इसको भी डाल करके हम पका लेंगे। दो मिनट हम इसको अच्छे से पकने देंगे और चलाते रहेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हमने ये जो मसाले हमने पीसे थे इसको भी हम डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से, अभी हमारे सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें ये हमारे वेजिटेबल सूख गए हैं, अब हम इसको भी बात सभी डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हम गैस को बंद कर देते हैं। इसमें हम एक चम्मच या स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमारा ये मिक्स वेजिटेबल अचार बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। प्लीज़ आप इसको पराठे पूड़ी या किसी भी चीज़ के साथ आप बिल्कुल खा सकते हैं। ये खट्टा मीठा अचार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको हर रोज़ एक एक नया वीडियो बना करके दिखा सकूँ। थैंक यू।